हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम करेंगे एनसीईआरटी एक्सरसाइज से क्वेश्चन नंबर 5.12। आइए स्टेटमेंट रीड करते हैं। अ शॉर्ट बार मैग्नेट हैज अ मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ 0.48 जूल पर टेस्ला। गिव द डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय द मैग्नेट एट अ डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द मैग्नेट ऑन द एक्सिस। सेकेंड पार्ट इज द इक्वेटोरियल लाइन, दैट इज नॉर्मल बाइसेक्टर ऑफ द मैग्नेट। ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है। एक शॉर्ट बार मैग्नेट है, उसका मैग्नेटिक मोमेंट हमें दिया हुआ है 0.48, और उसमें हमें बताना है मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड की, जो कि ये बार मैग्नेट अपनी एक्सिस पर बनाएगा। कितने डिस्टेंस पर? 10 सेंटीमीटर पर और इक्वेटोरियल एक्सिस पर। तो इक्वेटोरियल लाइन पर भी हमें बताना है 10 सेंटीमीटर दूर कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा और उसकी डायरेक्शन क्या होगी, और एक्सिस पर भी हमें बताना है 10 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर कि मैग्नेटिक फील्ड की मैग्नीट्यूड क्या होगी और डायरेक्शन क्या होगी। तो पहले डेटा को लिस्ट अप कर लेते हैं। मैग्नेटिक मोमेंट हमें दिया हुआ है 0.48 जूल पर टेस्ला। एक्स हमें दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर। एक्स क्या है? बार मैग्नेट के सेंटर से जिस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकलना है उसका डिस्टेंस, ठीक है? तो बार मैग्नेट के सेंटर से मेजर किया जाता है डिस्टेंस। ये पॉइंट पी मैंने इसकी एक्सिस पर माना। यहां पर मैग्नेटिक फील्ड कैसा होगा? तो आप समझते हैं, नॉर्थ से लाइंस निकलती हैं, तो ये डायरेक्शन यहां पर कैसी होंगी? ये वाली, ठीक है? पी पर साउथ से नॉर्थ की तरफ ये डायरेक्शन होगी मैग्नेटिक फील्ड की। आपने ये थ्योरी में भी किया होगा, एक बार फिर से आप रिवाइज कर सकते हैं, या मैं आपको समझाने के लिए बता सकती हूँ कि आप हमेशा टेस्ट मैग्नेट नॉर्थ पोल की तरह मानेंगे। तो नॉर्थ उसको क्या करेगा? रिपेल करेगा। साउथ उसको क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा, ठीक है? जैसे टेस्ट मैग्नेट हमने यहाँ पे रख दी, तो नॉर्थ उसको रिपेल करेगा, साउथ उसको अट्रैक्ट करेगा। तो बी ड्यू टू नॉर्थ बना, बी ड्यू टू साउथ बना, ठीक है? बट जिसका डिस्टेंस कम है वो स्ट्रोंग होगा फील्ड, और जिसका डिस्टेंस ज्यादा है वो वीक होगा। तो ये वाला रिजल्ट देगा। इसका मतलब बी एक्सियल किस तरफ होगा? नॉर्थ की तरफ, ठीक है? नॉर्थ वाली डायरेक्शन में। तो ये वाली डायरेक्शन कौन सी होगी? एक्सिस पर मैग्नेटिक फील्ड की नेट फील्ड की डायरेक्शन होगी दोनों के कारण, ठीक है? तो आप उसमें थ्योरी में भी आप इसको रिवाइज कर सकते हैं एक बार फिर से। तो सिंपल फॉर्मूला हमें इम्प्लीमेंट करना है। एक्सिस पर मैग्नेटिक फील्ड होती है बार मैग्नेट के म्यू नॉट अपॉन 4π2m/x³। एम हमें गिवन है, एक्स हमें गिवन है, बस आप सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर लेना, फिर इसकी वैल्यू प्लेस कर देना। ये आ गया 0.96 × 10⁻⁴ टेस्ला, और इसको हमने कन्वर्ट कर दिया गॉस में, तो ये रिजल्ट आ गया। और डायरेक्शन मैंने अभी आपको बताई, इट्स डायरेक्शन इज अलोंग एम वेक्टर, दैट इज साउथ टू नॉर्थ। ये भी ध्यान रखना है आपको, एक्सिस पर डायरेक्शन होती है मैग्नेटिक मोमेंट वाली डायरेक्शन में, और मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन होती है साउथ से नॉर्थ, ठीक है? अब सेकेंड पार्ट को देखिए। सेकेंड पार्ट में भी एक्स कितना है हमारा? 10 सेंटीमीटर, उसको हमने मीटर में कन्वर्ट कर लिया। डाइपोल मोमेंट उतना ही है। हमें क्या निकालना है? इक्वेटोरियल एक्सिस पर, ये इक्वेटोरियल एक्सिस होती है सेंटर से नॉर्मली पास होने वाली, इस पर ये पॉइंट माना, ये भी एक्स डिस्टेंस पर है। यहां पर मैग्नेटिक फील्ड ऑपोजिट टू मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट होगा। यहां पर देखिए फॉर्मूला लगाएंगे मैग्नीट्यूड के लिए, म्यू नॉट अपॉन 4π m/x³। एम की वैल्यू प्लेस की, एक्स की वैल्यू प्लेस की, रिजल्ट आ गया 0.48 × 10⁻⁴ टेस्ला। इसको हम रिप्लेस कर देते हैं गॉस से, तो ये बन गया 0.48 गॉस। डायरेक्शन आ गई ऑपोजिट टू एम, नॉर्थ से साउथ, क्योंकि एम की डायरेक्शन कौन सी है? साउथ से नॉर्थ। तो इसकी डायरेक्शन कैसी होगी? साउथ, नॉर्थ से साउथ। किसकी डायरेक्शन? बी इक्वेटोरियल की। अब इसको समझ लीजिए, यहां पर टेस्ट मैग्नेट समझेंगे आप, जैसे नॉर्थ पोल रखा गया है, तो नॉर्थ पोल यहां पे रखेंगे तो ये नॉर्थ उसको क्या करेगा? रिपेल करेगा, ठीक है? तो ये किसके कारण होगा? बी ड्यू टू नॉर्थ। और साउथ उसको क्या करेगा? इसी लाइन में ज्वाइन करते हुए अट्रैक्ट, ठीक है? तो ये हो गया बी ड्यू टू साउथ, ये हो गया बी ड्यू टू नॉर्थ। दोनों का एक एक कंपोनेंट, एक ऊपर आया बी नॉर्थ का ऊपर वाला कंपोनेंट, बी साउथ का नीचे वाला कंपोनेंट, ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे।
बी नॉर्थ का दूसरा कंपोनेंट इस डायरेक्शन में आएगा अगर ये एंगल थीटा मानते हैं हम, और बी साउथ का भी यही इसी डायरेक्शन में कॉस थीटा आएगा। ठीक है, तो दोनों का रिजल्टेंट इसी डायरेक्शन में आएगा, ये आपने थ्योरी में किया है। और ये डायरेक्शन ही किसकी होगी, नेट मैग्नेटिक फील्ड की इक्वेटोरियल लाइन पर। तो ये आपने अच्छे से समझ लेनी है कि जो इक्वेटोरियल एक्सिस है उस पर मैग्नेटिक फील्ड होती है ऑपोजिट टू एम, और एक्सिस पर होती है अलोंग एम। ठीक है, इसी के अकॉर्डिंग हम आंसर कर देंगे, और फॉर्मूला आपको मैंने बता दिया है कैलकुलेशन कैसे करनी है। आई होप आपको ये समझ आ गया है, आप इसको नोट कर लीजिए। थैंक यू सो मच।